गुड मॉर्निंग पल्लवी। हेलो राम। करो भाई करो, फटाफट से ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग सचिना। गुड मॉर्निंग दीपांशी। गुड मॉर्निंग किरण। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सॉरी, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल किया था, दैट इज कॉल्ड नेशनल काउंसिल। हमने स्टेट वाला भी पढ़ा और हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाला भी पढ़ा। उसके बाद हमने एक अथॉरिटी पढ़ी थी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल अथॉरिटी। और सेंट्रल अथॉरिटी में हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है क्या करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए क्या एस्टेब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करिए। सेंट्रल अथॉरिटी में कौन होगा? चीफ कमिश्नर होगा, सच नंबर ऑफ कमिश्नर होंगे, हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। इनके लिए जो अपॉइंटमेंट वगैरह के रूल्स रहेंगे, रिक्रूटमेंट के रूल्स रहेंगे, कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगी। वैकेंसी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके एक्ट पे या इनकी प्रोसीडिंग पे, कोई चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अदर ऑफिसर्स वगैरह इनकी हेल्प करने के लिए, और सेंट्रल अथॉरिटी खुद से एक्सपर्ट वगैरह अपॉइंट कर सकती है जिनके पास नॉलेज वगैरह हो स्पेसिफाइड फील्ड वगैरह की। प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट करती है ट्रांजेक्शन उन मैटर्स को और एलोकेशन करती है कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के बीच में कि कैसे कौन क्या मैटर देखेगा। चीफ कमिश्नर के पास पावर है कि उसके डायरेक्शंस में सब चीजें होंगी और चीफ कमिश्नर चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन विंग में कौन था? डायरेक्टर जनरल था। तो सेंट्रल अथॉरिटी का एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा, उसमें एक डायरेक्टर जनरल होगा। वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा जब भी कोई कंप्लेंट आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल नंबर ऑफ डायरेक्टर जनरल वगैरह जिनका एक्सपीरियंस होगा इन्वेस्टिगेशन में, यानी जो इन्वेस्टिगेशन करते आए हैं, सो दैट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग में अपॉइंट किया जा रहा है। ये किसके कहने से काम करेंगे? डायरेक्टर जनरल के कहने से। डायरेक्टर जनरल अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी सेंट्रल अथॉरिटी को सच मैनर में जो भी इनको लगे। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेंट के बेसिस पे, रेफरेंस के बेसिस पे, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी की हो चाहे वो रीजनल ऑफिस से आई हो, तो उसके बेसिस पे इंक्वायर करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट, फिर सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट। कंप्लेंट टू द अथॉरिटीज, ए कंप्लेंट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसको लगाई जाएगी? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगाई जाएगी या कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस को लगाई जाएगी या सेंट्रल अथॉरिटी को लगाई जाएगी। अब पावर एंड फंक्शन क्या है सेंट्रल अथॉरिटी के? सेंट्रल अथॉरिटी का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, एनफोर्स करना राइट ऑफ कंज्यूमर, प्रिवेंट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो और नॉट पर्सन टेक प्लेस इन एनी एडवर्टाइजमेंट जो फॉल्स और मिसलीडिंग हो। अब इसके पास अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इंक्वायर करेगा, उसके बेसिस पे सुओ मोटो भी कर सकता है, डायरेक्शन के बेसिस पे भी कर सकता है। ये क्या करेंगे? जो फाइल करेंगे कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, इंटरवीन भी कर सकता है, इनहिबिटिंग भी कर सकता है, ठीक है, रेकमेंड भी कर सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च, स्प्रेड अवेयरनेस, एनकरेज नॉन गवर्नमेंट, ये नॉर्मल से दिए गए थे। पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर मैटर टू रेफर मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन और टू अदर रेगुलेटर, कि रिसीव करने के बाद कंप्लेंट वगैरह ये क्या कर सकता है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराएंगे। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पर अगर लगता है कि यस इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो या तो डायरेक्टर जनरल को बोल देंगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल देंगे। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ये चाहे तो मैटर रेगुलेटर को भी भेज सकते हैं, ये इनकी मर्जी है,
फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कॉल अपॉन द पर्सन, उस पर्सन को बुलाया भी जा सकता है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी बोला जा सकता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स. रिकॉल गुड्स आपने समटाइम्स सुना होगा ना कि एप्पल वाले ने अपना फोन वापस मंगवाया. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गाड़ी वाले हैं तो बोले कार मैन्युफैक्चरर ने अपनी गाड़ी वापस मंगवा दी. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता था, तो डिफेक्ट की वजह से वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए खुद भी वापस मंगवा लेते थे जितने भी प्रोडक्ट आते थे, और क्या करते थे ये जो प्रोडक्ट है अथॉरिटी के कहने से भी वापस मंगवा सकते हैं. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. मेरी एक क्लासमेट थी, उसने क्या लिया, उसने ब्लैकबेरी का फोन लिया, अब तो बंद हो गए, उसने ब्लैकबेरी का फोन लिया था 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे उसने ब्लैकबेरी का फोन लिया. ब्लैकबेरी के फोन था मेड, शायद मेड इन इंडिया था, पता नहीं कैसे था, मुझे इतना याद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मान लो उस पर लिखा था मेड इन इंडिया. जो प्रोडक्ट बेचा गया तो उस पर लिखा था कि ये मेड इन इंडिया है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्ट था वो मेड इन कोरिया या समथिंग और जगह था, ठीक है. अब बेचा गया मेड इन इंडिया बोल के, बना कहीं एक्चुअल में और है. तो जब ये बात का खुलासा हुआ, जब ये बात पता चली, जब ये चीजें सामने आई, तो इसे बोला गया. ब्लैकबेरी ने क्या किया, अपने जितने भी फोन इंडिया में सेल करे थे सबके सब वापिस मंगवा लिए, एक स्पेसिफाइड सीरीज के, मतलब एक स्पेसिफाइड सीरीज निकली थी, उस सीरीज के जितने भी फोन है वो सारे वापस मंगवा लिए. अब मेरी फ्रेंड ने 18,000 रुपए का फोन लिया था उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे 18,000 का फोन लिया था उसने. ये फोन पूरा का पूरा वापस 6 महीने यूज कर लिया उस लड़की ने, 6 मंथ के बाद फोन वापस मंगवा लिया और 18,000 उसके अकाउंट में डाल दिए. बताओ कितनी अच्छी बात है. मैं तो हम भी दुआ करते हैं कि हमारे फोन में कोई डिफेक्ट आए और कम नहीं कहे कि तुम्हारे फोन वापस दे दो, ठीक है. तो ऐसा अगर हो जाए तो कितने मजे ना आ जाए, कि अगर हमारा फोन हम 6-7 महीने यूज कर ले अच्छा खासा, फिर उसके बाद कंपनी आके कहे अरे अरे इस फोन में तो थोड़ा सा डिफेक्ट है, सारे के सारे फोन इस सीरीज के वापस, कितनी खुशी की बात हो जाए ना हमारे लिए. कितनी खुशी वाली बात हो जाए कि यार 6 महीने यूज भी कर लिया और अब बदले में नया फोन भी मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो तो पैसे पूरे के पूरे वापिस आ गए, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा वापस मिलेगा. अब पूरा का पूरा वापस मिला तो कितनी अच्छी बात है ना. अब पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स. तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर सकती है, गुड्स वापस मंगवा सकती है अगर उसे लगता है कि आपने जो गुड्स बेचे हैं वो डिफेक्टिव है. उसे अगर लगता है कि आपके जो गुड्स है वो सही नहीं है तो वो क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है कि आप क्या करो, वो गुड्स वापस मंगवाओ, विड्रॉल ऑफ सर्विसेज जो डेंजरस है. वेयर सेंट्रल अथॉरिटी सेटिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस टू शो द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय पर्सन, इट मे पास सच ऑर्डर. कैसा ऑर्डर पास कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं उन गुड्स को या विड्रॉ कर सकते हैं उन सर्विसेज को जो डेंजरस है, हैजार्डियस है और अनसेफ है. तो देखो गुड्स तो वापस मंगवा लिए लेकिन सर्विसेज का होता है विड्रॉल कि आज से ही खत्म. रिम्बर्समेंट करने के लिए कहा जा सकता है प्राइजेस. अब गुड्स वापस मंगवाए हैं तो वापस पैसे भी तो देंगे ना. अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि गुड्स वापस मंगवा लिए, ये थोड़ा कि गुड्स गुड्स वापस मंगवा लिए और रख लिए, बोले नहीं पैसा भी वापस करो. रिम्बर्समेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स सो रिकॉल टू परचेजर, जिन्होंने परचेज किया था उनको पैसे वापस दे दो. डिसकॉन्टिन्यूशन, और आप ये वाली प्रैक्टिस फिर से नहीं करेंगे, ये ऑर्डर है. तो ऑर्डर क्या है, रिकॉल, रिम्बर्स और डिसकॉन्टिन्यू. रिकॉल, रिम्बर्स और डिसकॉन्टिन्यू ये प्रैक्टिस है, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले रोने धोने का मौका दिया जाएगा, यानी रीजनेबल ऑपर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट दी जाएगी. डन भाई, बहुत सिंपल सा टॉपिक था और बहुत आसान सा था. क्या सेंट्रल अथॉरिटी रिकॉल के लिए बोल सकती है, बोले बिल्कुल बोल सकती है, जब उसके पास सफिशियंट एविडेंस हो ये शो करने के लिए कि यस वायलेशन हुआ है कंज्यूमर राइट का या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई है. तो रिकॉल, रीइंबर्समेंट और डिसकॉन्टिन्यू, तीनों चीजों का ऑर्डर इशू किया जा सकता है. लेकिन कोई भी ऑर्डर इशू करने से पहले क्या दी जाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट दी जाएगी. अब एक डेफिनेशन पे आना, एक फॉल्स और मिसलीडिंग की डेफिनेशन पे आओ एक बार, क्योंकि अगला टॉपिक फिर इसी चीज के ऊपर है. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट.
ठीक है, यस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट समझते हैं क्या है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब इन रिलेशन टू प्रोडक्ट और सर्विसेज मीन्स एन एडवर्टाइजमेंट विच फॉल्सली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो डिस्क्राइब कर रही है फॉल्सली, यानी किसी चीज के बारे में बता रही है लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है। गिव ए फॉल्स गारंटी टू और लाइकली टू मिसलीड द कस्टमर एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉल्स गारंटी दे रही है कि ये प्रोडक्ट आपको ठीक कर देगा या ये प्रोडक्ट आपके इस काम आएगा, ये वो इस तरह की। कन्वे एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर वुड कॉन्स्टिट्यूट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। या इस तरीके से उस गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो क्या कहलाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही कहलाएगा, या फिर आप डेलिबरेटली जानबूझ के कंसील कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में फॉल्सली डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर आप फॉल्स गारंटी दे रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं कंज्यूमर को नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में, अगर आप कन्वे कर रहे हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच कॉन्स्टिट्यूट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या डेलिबरेटली कंसील कर रहे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसी एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी? सर, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग एक एडवर्टाइजमेंट है जो फॉल्सली डिस्क्राइब कर रही है, जो डिस्क्राइब कर रही है फॉल्सली, जो मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीजों के रिगार्डिंग, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है या कंसील कर रहा है। तो चार चीजें, जो डिस्क्राइब कर रहा है फॉल्स, जो मिसलीड कर रहा है अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी, इन चीजों के रिगार्डिंग, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बन रहा है या जो कंसील कर रहा है जानबूझ के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन चार चीजों में से कोई भी चीज है तो हम क्या कहेंगे, इन चार चीजों में से कोई भी चीज है तो हम यही कहेंगे कि ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। कैसी एडवर्टाइजमेंट है भाई? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। डन भाई, अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो इसके रिगार्डिंग शिकायत हुई होगी। अब शिकायत हुई है तो फिर सामने फिर क्या करेगी अथॉरिटी? कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। अथॉरिटी क्या करेगी? कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। अब वही एक्शन हम पढ़ रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा, वही एक्शन हम पढ़ रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा कि अगर अथॉरिटी को ये लग रहा है कि सामने वाला मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शन एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ लिया। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद हमारा क्या रह गया? बोले पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शन और कितने रुपए की पेनल्टी लगा सकते हैं। जस्ट सेंट्रल अथॉरिटी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला कि कोई एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है और प्रीजुडिशियल है। क्या पता चला? एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है एंड प्रीजुडिशियल है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर या कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है कंज्यूमर राइट का। तो जो टॉपिक था ओर्डर क्या करना है, डायरेक्शन देनी है। तो बाय ऑर्डर इश्यू डायरेक्शन टू द कंसर्न ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर और एडवर्टाइजर और पब्लिशर, ये जितने भी लोग इन्वॉल्व है इस चीज में उन सबके लिए बोल रहा है कि वो चाहे ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स की, बना नहीं रहा है लेकिन ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है बना रहा है, एंडोर्सर जो आगे बेसिकली एंडोर्स कर रहा है, एडवर्टाइजर है, पब्लिशर है, टू डिसकॉन्टिन्यू। तो डायरेक्शन टू डिसकॉन्टिन्यू या मॉडिफाई। ठीक है, तो समझ में आया पहला कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या प्री जुडिशियल है या कॉन्ट्रावेंशन करते हुए है, तो डायरेक्शन दी जा रही है। डायरेक्शन क्या दी गई? दो, डिसकॉन्टिन्यू या मॉडिफाई। डिसकॉन्टिन्यू और मॉडिफाई। देन पहला पॉइंट समझ में आया? बस सर बड़ा आसान सा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है सेंट्रल अथॉरिटी को कि आप फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, प्री जुडिशियल थी,
या कॉन्ट्रावेंशन हो रहा था कंज्यूमर राइट का, तो ऑर्डर इश्यू करके क्या कहेंगे, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवर्टाइजर, पब्लिशर को, कि ये प्रैक्टिसेस बंद कर दो और मॉडिफाई कर दो, या फिर मॉडिफाई कर दो इन सच मैनर विद इन सच टाइम, जो टाइम बता दिया जाए। अगर सेंट्रल अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, बोले नहीं डायरेक्शन से कोई काम नहीं चलेगा, हमें इम्पोज भी करनी चाहिए पेनल्टी, तो क्या कर देंगे, इम्पोज कर देंगे उस मैन्युफैक्चरर पे या एंडोर्सर पे एक पेनल्टी। क्या लगा कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट जानबूझ के फॉल्स करी गई थी बाय मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर, तो बाय ऑर्डर इश्यू करके इम्पोज कर देंगे मैन्युफैक्चरर या उस एंडोर्सर पे एक पेनल्टी, जो कितने की हो सकती है, 10 लाख की हो सकती है। और अगर आप सब्सिक्वेंट आप दोबारा भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो 50 लाख की हो सकती है। डन, इतना ही नहीं, पहले आपको डायरेक्शन इशू कर, फिर इम्पोज कर दी क्या पेनल्टी, पेनल्टी कितने रुपए की, 10 लाख रुपीज की, और सब्सिक्वेंट हुआ तो 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी। डन, तीसरा क्या कह रहा है, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर, ऑर्डर इशू करके प्रोहिबिट भी कर सकती है उस एंडोर्सर को जिसने ये बनाई है बेसिकली फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम मेकिंग एंडोर्समेंट, कि आप फर्दर ये एड नहीं चलाओगे, बंद कर दो आज से ये एड, ऐसी एड ना तो दोबारा बनेगी और ना ही चलेगी। तो प्रोहिबिट कर दिया एंडोर्सर को फ्रॉम मेकिंग एंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर ए पीरियड विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। आपके ऊपर क्या लगा दी, प्रोहिबिशन लगा दी। प्रोहिबिशन किस चीज के ऊपर, एंडोर्स करने के ऊपर, कितने साल की, 1 साल की, और सब्सिक्वेंटली आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो 3 साल, और अगर सब्सिक्वेंट आपने कॉन्ट्रावेंशन किया बात नहीं मानी तो 3 साल के लिए प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, फिर आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना बना पाओगे ना आप एंडोर्स कर पाओगे, बिल्कुल बैन लगा दिया आपके ऊपर। होता है ना कि वो जो एजेंसी है उसी को बैन कर दो, जो एजेंसी बेसिकली इस तरह की चीजें कर रही थी उसी को बैन कर दिया, ये वैसा हो गया। कि सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट एनी पर्सन इज फाउंड टू पब्लिश और ए पार्टी टू द पब्लिकेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो उस पर्सन के ऊपर भी पेनल्टी लगा दी। कि पर्सन, कि यही वो इंसान है जो जिसे पब्लिश कराई है, यही वो इंसान है पब्लिश करने वाला, या ये पार्टी है टू द पब्लिकेशन, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उस पब्लिकेशन में, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी। कितने रुपए की, 10 लाख रुपीज तक की, अगर कोई पब्लिशर है, ये बेसिकली बात की गई है पब्लिशर, जो पब्लिश करने वाला है, एंडोर्सर मतलब दिखाने वाला, जो एंडोर्स करने वाला है उस एडवर्टाइजमेंट को, पब्लिशर जो पब्लिश करने वाला है उस एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी। कितने रुपए की, 10 लाख रुपीज। अब डिटरमाइन करते हुए पेनल्टी, हमें पता है कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, क्या, पॉपुलेशन ऑफ एरिया इंपैक्टेड, ये कुछ फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे क्या डिसाइड की जाएगी, क्वांटम ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी की अमाउंट डिसाइड की जा रही है। पहला, पॉपुलेशन और एरिया इंपैक्टेड और अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन, इस ऑफेंस की वजह, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ सच, कितना टाइम तक ये चला, वल्नरेबिलिटी ऑफ क्लास ऑफ पर्सन लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड, कितने परसेंट लोग इससे इनडायरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से अफेक्ट होंगे, और कितना आपने इससे रिवेन्यू कमाया है, ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपने कितना रिवेन्यू कमाया है, इन फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद ही आपको बताया जाएगा कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। एंडोर्सर लाइबल नहीं है किसी पेनल्टी के लिए अगर उसने एक्सरसाइज करी ड्यू डेलिजेंस टू वेरीफाई द वैसिटी ऑफ द क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग एंडोर्स्ड बाय। अगर आपने अपनी तरफ से कोशिश करी थी वेरीफाई करने की कि जो क्लेम मैन्युफैक्चरर कर रहा है वो क्लेम सही है गलत है, तो अगर आपने ड्यू डेलिजेंस एक्सरसाइज करी थी तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। सेम अगर पब्लिशर ने पब्लिश करी थी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और उसने भी ड्यू डेलिजेंस करी थी तो उसके रिगार्डिंग भी कोई पेनल्टी नहीं। नो पर्सन लाइबल टू ए पेनल्टी इफ ही प्रूव दैट ही हैज एडवर्टाइज और अरेंज फॉर पब्लिकेशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस प्रोवाइडेड दैट नो सच डिफेंस, अगर उसे नॉलेज थी कि अथॉरिटी ने ऐसा कोई ऑर्डर पास कर रखा है कि ये एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से ही ऑर्डर है फिर भी आपने ऐसा किया तो फिर आप नहीं बच सकते। और कोई भी ऑर्डर इश्यू करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट हमेशा दी जाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। डन भाई,
तो पहला क्या था, पहले डायरेक्शन इशू करके बोला डिसकंटिन्यू करो, मॉडिफाई करो। दूसरा इम्पोज कर दी पेनल्टी 10 लाख रुपीज की, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चर या एंडोर्सर के ऊपर, मैन्युफैक्चर या एंडोर्सर के ऊपर। सब्सिक्वेंट हुआ तो 50 लाख, प्रोहिबिट कर दिया एंडोर्सर को, 1 साल तक एंडोर्स नहीं करोगे, सब्सिक्वेंट किया तो 3 साल कर देंगे। पब्लिशर पब्लिश नहीं करेगा, उसने जानबूझ के किया है तो उसे भी गिल्टी मान लिया और 10 लाख रुपीज तक की पेनल्टी उसके ऊपर ठोक दी। फैक्टर्स किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, एंडोर्सर अगर उसने क्या कह दे, वो कह दे मैंने वेरीफाई किया था तो नो पेनल्टी। इसी तरह पब्लिशर कह दे मैंने तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पब्लिश किया था तो नो पेनल्टी। लेकिन अगर आपको नॉलेज थी ऑफ ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर विड्रॉल और मॉडिफिकेशन तो आप बच नहीं सकते, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट थी तो भी आप मतलब ये तो देनी पड़ेगी, फिर तभी कोई ऑर्डर आएगा। डन भाई, यहां तक फटाफट से बता दो, ये पॉइंट क्लियर है? बहुत आसान सा था सर, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है इसमें जो जिसमें आई थिंक दिक्कत आए। बताओ भाई फटाफट से, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई कर दोगे? ठीक है, एक बार एंडोर्समेंट पे आ जाओ, सो दैट आपको थोड़ा सा एंडोर्समेंट के बारे में पता हो कि एंडोर्समेंट क्या है। एंडोर्सर एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एडवर्टाइजमेंट मीन्स ए मैसेज, वर्बल स्टेटमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफिकेबल पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम और सील ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच मेक द कंज्यूमर टू बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन, फाइंडिंग और एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब बेसिकली जिसने लिखी है ये चीज और वो जो क्लेम कर रहा। अब इसके लिए उसने क्या किया, डिसिप्शन, ठीक है, वही चीज समझा रहे हैं। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो एंडोर्समेंट का मतलब कोई मैसेज है जो आपने लिखा है, बेसिकली लिखने वाले की बात कर रहे हैं जिसने ये चीजें लिखी है, या जो चीजें क्या कर रहे हैं आगे एंडोर्स कर रहा है, जो आगे इस चीज को बेसिकली प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब इन रिलेशन टू एडवर्टाइजमेंट का मतलब एक मैसेज है, वर्बल स्टेटमेंट है या डेमो है किसी चीज का जो डिसिप्शन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, डिसिप्शन क्या हुआ है, जो बेसिकली फॉल्सली दिखा रहा है। नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफिएबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई ये वो इंसान है बेसिकली, ये जैसे प्रमोट करने वाले नहीं होते, जैसे सेलिब्रिटीज ये एंडोर्स ही तो कर रहे हैं ना, सेलिब्रिटीज जो आके एक चीज बोलते हैं कि जैसे वो जुबा केसरी वो गुटखा वाला चल रहा है, या ये एंडोर्सर हो गए बेसिकली। या अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन का नाम क्लेम कर रहे हो, डिसिप्शन ऑफ नेम और सील ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच मेक कंज्यूमर टू बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन, फाइंडिंग, एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब आप बेसिकली सेलिब्रिटी से लगा सकते हैं एक तरह से, जो बेसिकली आके क्लेम करते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये चीज है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, बेसिकली जो क्लेम कर रहे हैं, क्लेम किसी चीज का क्लेम कर रहे हैं कि मैंने पर्सनली ये चीज कंज्यूम करी है और ये चीज बहुत अच्छी है, वो एंडोर्सर है, वो एंडोर्सर है जो आके क्लेम कर रहा है। डन, अब आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी। एंडोर्समेंट का मतलब जो एंडोर्स कर रहा है, बेसिकली क्लेम कर रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ना। डन है भाई? नेक्स्ट टॉपिक सर्च एंड सीज। नेक्स्ट टॉपिक है किस चीज का, सर्च एंड सीज का। अब सर्च एंड सीज समझना क्या है, अब अगर ये लगता है कि किसी जगह पे ऐसे गुड्स रखे गए हैं जो गुड्स फॉल्स है,
किसी जगह पे ऐसे गुड्स रखे गए हैं, जो गुड्स क्या है गलत हैं या ऐसी चीजें हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली एंटर कर सकते हैं, आप वहां पे बेसिकली सर्च कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उस जगह पे, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं उस जगह को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और ये सारी चीजें। डिपिक्शन का मतलब है बेसिकली होता ना प्रेजेंट करना किसी चीज को, प्रेजेंट के तरीके से कह सकते हैं इसे, ठीक है, प्रेजेंट के तरीके से कह सकते हैं। तो सर्च एंड सीज पे आते हैं। सर्च एंड सीज, सर्च एंड सीज क्या है, अगर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कह रहे कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी है और डायरेक्टर जनरल या एनी अदर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगता है कि किसी पर्सन ने वायलेट किया है किसी कंज्यूमर राइट को, या कमिटेड किया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो शेल एंटर एट सच रीजनेबल टाइम इन टू सच प्रिमाइसिस और सर्च एनी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस और सीच सच डॉक्यूमेंट, मेक ए नोट और एनी इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड और आर्टिकल और रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू प्रोड्यूस सच रिकॉर्ड प्रोवी रजिस्टर और सच डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, अगर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये जरूरी लगता है कि किसी जगह पे एंटर करना और उस जगह पे सर्च करना जरूरी है, तो आप उस जगह पे एंटर कर सकते हो और आप सर्च कर सकते हो, उस इंसान को कह सकते हो प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जो डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे बेसिकली सर्च किया है उसको सीज भी किया जा सकता है, प्रोड्यूस जो सीज भी कर सकते हो, और आप उसे प्रोड्यूस करने जो के लिए जो आपने बोला था प्रोड्यूस भी करने के लिए बोला था, आप उसे रिटर्न कर दोगे कब, जब एक टाइम पीरियड हुआ, मतलब बेसिकली होता है ना हर जगह एक टाइम पीरियड आता है, तो यहाँ पे क्या है 20 डेज है, यहाँ पे क्या है 20 डेज है। तो देखो पहला क्या है, अगर सर क्या करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी लगता है तो आप एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो, ठीक है, आप नोट या इन्वेंटरी बना सकते हो उन प्रोडक्ट उन रिकॉर्ड आर्टिकल के जो आपको मिले हैं वहां पे, और आप प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकते हो। तो या जो सर्च सीज होगा वो सीआरपीसी के हिसाब से होगा, ये हमें पहले से ही पता है, हर जगह यही होता है। जो डॉक्यूमेंट आर्टिकल आप सीज करके लाए हो या जो आपने प्रोड्यूस करने के लिए बोला था, आप उसे रिटर्न कर दोगे विद इन ए पीरियड ऑफ 20 डेज ऑफ द डेट ऑफ द सीज और प्रोडक्शन आफ्टर कॉपीज देयर ऑफ और एक्सेप्ट देयर ऑफ फ्रॉम द सर्टिफाइड बाय दैट पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैव बीन टेकन, मतलब उनके कॉपीज वगैरह रखने के बाद और सामने वाले से साइन कराने के बाद आप उन्हें वापिस कर दोगे। डन। जहां पे कोई आर्टिकल क्या है स्पीडी ऑफ नेचुरल डिके है तो उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इन ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई आर्टिकल जल्दी खराब होने वाला है तो आप उसे किसके हिसाब से, सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से आप उसे क्या करेंगे, बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और उसका जो पैसा है वो बेसिकली सीज कर लेंगे, जो पैसा है वो सीज कर लेंगे अगर कोई आपको आर्टिकल लगता है ऐसा है, ठीक है। तो दो ही सी तीन चीजें लिखिए, क्या लिखा है, सर्च एंड सीज, अगर आपको इंक्वायरी अगर सॉरी इंक्वायरी कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी लगता है, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी लगता है तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर जरूरी लगता है सर्च करना, सीज करना, एंटर करना, तो आप एंटर भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और सीज भी कर सकते हैं, आप इन्वेंटरी बना सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और आप प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, और जो भी आपने सीज और प्रोड्यूस करने के लिए बोला था वो हो गया, आप रिटर्न कर दो 20 दिन के अंदर अंदर, क्या करने के बाद, कॉपीज या एक्सेप्ट लेने के बाद, कॉपीज या एक्सेप्ट लेने के बाद, अगर नेचुरल डीके वाले हैं तो आप फिर आर्टिकल सॉरी सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लोज सी में जो प्रोसीजर दिया है उस प्रोसीजर का यूज करेंगे, इन केस आर्टिकल अदर देन सॉरी ये तो अदर देन है, अगर आर्टिकल सीज होने वाला सॉरी अगर जो आर्टिकल हमने सीज किया है वो स्पीडी और नेचुरल डिके वाला है तो उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इन ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर आर्टिकल अदर देन आर्टिकल ऑफ नेचुरल स्पीडी और नेचुरल डिके है तो फिर हम सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी का यूज करेंगे, क्या
करने के लिए, एनालिसिस और टेस्ट करने के लिए कि क्या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, क्या प्रोडक्ट गलत है, नहीं है, क्या कुछ चीजें है, उसके लिए हम एनालिसिस और टेस्ट करेंगे सेक्शन 32 38 के अकॉर्डिंग सबसेक्शन 2। डन भाई। वेस्टेशियस सर्च, ये आपको पहले भी पता है, ये आपका लास्ट चैप्टर में भी आया था, जहां पे ग्राउंड नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। जहां पे आपके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सीज कर रहे हो। तो फॉर एवरी सच ऑफेंस पनिश किया जा सकता है इंप्रिजनमेंट, 1 ईयर फाइन, 10,000 रुपीज और बोथ। सेम पेनल्टी है जो आप लीगल मेट्रोलॉजी में भी पढ़कर आए थे। अगर वेक्सेशियस सर्च, झूठी सर्च हो रही है जहां पे आपके पास रीजन नहीं है बिलीव करने का, फिर भी ऐसी चीजें हो रही है। डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टेचुरी अथॉरिटी और बॉडी टू फंक्शन एज ए सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि किसी ऑलरेडी स्टेचुरी अथॉरिटी को डेजिग्नेट भी कर सकती है, यानी कोई ऑलरेडी अगर अथॉरिटी है तो उसे डेजिग्नेट भी किया जा सकता है एज ए स्टेचुरी अथॉरिटी और ए बॉडी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। और अगर कोई पर्सन एग्रीड है सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो वो नेशनल कमीशन के पास अपील लगा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। तो 30 डेज में वो क्या कर सकता है, अपील लगा सकता है। 30 डेज में क्या कर सकता है, अपील लगा सकता है किसके पास, सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट में, नेशनल जो आपका कमीशन है बेसिकली उसके पास ये अपील लगा सकता है। डन भाई। सेंट्रल अथॉरिटी हमारा पूरा हो गया, सेंट्रल अथॉरिटी हमारा पूरा हो गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है। अब इसमें कौन कौन होगा, चीफ कमिश्नर होगा और सच नंबर ऑफ कमिश्नर होंगे, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, अपॉइंटमेंट, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर क्या होगा, अपने हिसाब से प्रोसीजर देखेंगे, पावर टू रेगुलेट है अपना प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जिसमें एक डायरेक्टर जनरल होगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जनरल और सच नंबर ऑफ डायरेक्टर जनरल जो जरूरी लगेंगे, और वो इंक्वायरीज करेंगे किसके हिसाब से, सेंट्रल अथॉरिटी के कहने से, और उसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी एक पर्सन है जो क्या करेगा, जो कंप्लेंट के बेसिस पे इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट कर सकता है और सबमिट कर सकता है रिपोर्ट। कंप्लेंट टू अथॉरिटीज, अगर कोई अथॉरिटी के पास कंप्लेंट आती है या रेफर करी जाती है तो वो किसे फॉरवर्ड कर देगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर को, क्या करने के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेंट्रल अथॉरिटी का काम क्या है ये हमने पढ़ लिया, और कैसा प्रोसीजर रहेगा जब उसके पास कोई कंप्लेंट आएगी या कैसे उसके पावर फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं खुद से या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे लग रहा है कि कंज्यूमर के राइट का वायलेशन हुआ है, या प्राइमा फेसिया या लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, या रीजन रेगुलेटर को बोल देंगे कि आप करा लो। चाहे पावर टू रिकॉल, याद हमने पढ़ा कि आप रिकॉल भी करा सकती है अथॉरिटी, रिमबर्स के लिए बोल सकती है और डिसकॉन्टिन्यू करने के लिए बोल सकती है। अगर कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो डिसकॉन्टिन्यू या मॉडिफाई करने के लिए कह सकते हैं, इम्पोज कर सकता है पेनल्टी 10 लाख रुपीज तक की, और बढ़ा के 50 लाख भी किया जा सकता है। प्रोहिबिशन की कोई एंडोर्सर क्या नहीं करेगा, एंडोर्स नहीं करेगा, 1 साल तक अगर वो करता है तो 3 साल के लिए फिर फर्दर हो सकता है। पब्लिशर पब्लिश नहीं करेगा। फैक्टर्स किन चीजों का ध्यान रखेंगे, और ये सारे पॉइंट हमने पढ़े। सीज सर्च और सीज हमने पढ़ा कि अगर रीजन टू बिलीव है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है किसी जगह पे एंटर करना तो कर सकते हो उस जगह पे एंटर, और इन्वेंटरी बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो सर्च सीज करने के बाद, ठीक है। वेक्सेशियस सर्च हमें नॉर्मल पता था। डेजिग्नेशन ऑफ स्टेचुरी अथॉरिटी टू फंक्शन एज बॉडी एज ए सेंट्रल अथॉरिटी, किसी भी स्टेचुरी अथॉरिटी को बना सकते हैं ये हमें पता है, और अपील नॉर्मल है, ठीक है, अपील आप लगा सकते हो 30 डेज। अब आपके 3 कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और नेशनल, ये 3 है जहां स्टार्टिंग में कंज्यूमर कंप्लेंट लेकर जाता है, जहां पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट लेकर जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मार्केट में गलत चीजें चल रही है, तो अथॉरिटी वगैरह इन सबको दिया बोला जा सकता है, इन सबको कहा जा सकता है। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में क्या है कि अगर कंज्यूमर को कंप्लेंट है तो वो सीधा सेंट्रल अथॉरिटी के पास थोड़ा जाएगा, कंज्यूमर तो लोअर लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसे पहले फोरम बोला जाता था, इसके पास जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया है एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला गया है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, और चाहे तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं मोर देन 1। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इस
मोल में बोल देते हैं, इतना बड़ा नाम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टेब्लिश किया है हर डिस्ट्रिक्ट में, और चाहे तो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, और नॉट लेस देन टू और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, यानी मिनिमम दो, मैक्सिमम गवर्नमेंट तय करेगी कितने होंगे। एक प्रेसिडेंट होगा, मिनिमम दो अदर मेंबर होंगे, ज्यादा भी हो सकता है गवर्नमेंट के बेसिस पे। क्वालिफिकेशन क्या होगी? वही एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी क्या क्वालिफिकेशन, क्या टर्म, क्या रेजिग्नेशन और सारी चीजें। ज्यूरिसडिक्शन किन मैटर पे है? कह रहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन करेगा कंप्लेंट जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज ए कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, और रूल्स के हिसाब से जाए तो हमने पढ़ा था यहाँ पे 50 लाख है। अगर 2021 के वो जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके हिसाब से जाए तो इसकी क्या पावर है? 50 लाख तक की पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है। इसे बोला जाता है पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन यानी पैसे के बेसिस पे ज्यूरिडिक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या कर सकता है? उन कंप्लेंट की सुनवाई कर सकता है जहां पे कंसिडरेशन जो उन गुड्स या सर्विसेज के लिए कितना पे किया हुआ है, 1 करोड़ तक पे किया हुआ है, और रूल्स के हिसाब से अप टू 50 लाख है। एक कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन। एक कंप्लेंट कहां इंस्टीट्यूट की जा सकती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, विद इन लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन द अपोजिट पार्टी यानी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है ऑर्डिनरी डिसाइड्स या कैरीज ऑन बिजनेस या फॉर गेन, या अगर जहां पे क्या है अलग अलग जगह पे रहते हैं तो एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी एक्चुअली और वॉलेंटरली रिसाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस प्रोवाइडेड इन सच केस परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज गिवन। कि भाई चाहे ये जो जिन्होंने आपके साथ धोखा किया ये अलग अलग जगह पे रहते हैं बट आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो, हमने परमिशन ले ली। जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या जहां पे कंप्लेनेंट रिसाइड और पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, आप इनमें से किसी भी जगह पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हैं? वेयर टू फाइल कंप्लेंट? कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हैं? बोले आप कंप्लेंट उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास लगा सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में या तो डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी, कह दो डिफेंडेंट कह दो, हम डिफेंडेंट क्योंकि हमें बहुत कॉमन वर्ड लगता है, तो वहां पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, कैरीज ऑन बिजनेस कर रहा हैज ए ब्रांच ऑफिस या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है। डन। कह रहे कि एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट एक्चुअली और वॉलेंटरली रिसाइड कैरीज ऑन बिजनेस हैज ए ब्रांच ऑफिस पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड इन सच केस परमिशन आपने ले ली है। ठीक है, पहले पॉइंट में भी मोर देन वन है बट रहते एक ही जगह पे। ठीक है, ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर देर आर मोर देन वन एट द टाइम जहां रिसाइड कर रही है, एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी जहां कोई भी रह रही है हम वहां पे किसी के भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या कंप्लेनेंट रिसाइड या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? शेल ऑर्डिनरी फंक्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और परफॉर्म कर सकता है सच अदर प्लेस जहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करे नोटिफाई करे ऑफिशियल गैजेट में, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना ऑफिस वहां भी एस्टेब्लिश कर सकता है। जनरली तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है। अब सेम चीज आपको दे रखी है स्टेट वाले पे, तो स्टेट में आ जाएंगे। फिर प्रोसीजर भी इनका कॉमन है तो आपको ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं लगेगा ये, हालांकि इस चैप्टर में कॉमन चीजें हैं। कॉमन कैसे है अभी देखो। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो क्या किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है एस्टेब्लिश करने के लिए। यहां भी एसजी एम्पावर है, वहां भी एसजी एम्पावर थी, तो एसजी क्या कर सकती है? स्टेट कमीशन एस्टेब्लिश कर सकती है एक स्टेट में। ये ऑर्डिनरी कहां फंक्शन करता है? स्टेट की कैपिटल में, लेकिन अदर जगह भी कर सकता है। अभी हमने पढ़ा ना कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहां बैठता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। स्टेट कमीशन कहां बैठता है? स्टेट कैपिटल में, और चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कहे तो कहीं और भी बैठ सकता है। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है रीजनल बेंचेस ऑफ स्टेट कमीशन, तो आपका वो आ रहा था ना रीजनल वाला, रीजनल कमिश्नर, वो ये वाला है, तो ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं रीजनल बेंचेस। तो कमीशन में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा सर, डिस्ट्रिक्ट में भी यही था। नोट लेस देन, यहां कितने हो गए? 4। वहां कितने थे? 2। यहां कितने हो गए? 4। बस इतना सा फर्क है। देन क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट तय करेगी। क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगी। डन। ज्यूरिसडिक्शन यहां पे क्या है? कह रहे ज्यूरिसडिक्शन यहां पे है, कह रहे एंटरटेन कर सकते हैं कंप्लेंट जहां पे वैल्यू कितने से ज्यादा है? 1 करोड़ से ज्यादा है बट नॉट एक्सीड 10 करोड़ है।
ठीक है, जहां वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू कितना है, 10 करोड़ है। लेकिन वहीं अगर मैं रूल्स के हिसाब से जाऊं तो वैल्यू किससे ज्यादा हो गई, 50 लाख से ज्यादा हो गई। वैल्यू किससे ज्यादा हो गई, 50 लाख से ज्यादा हो गई। और कहां तक की थी, 4 था क्या वैल्यू, कितने तक की थी, कितने तक की वैल्यू दी गई थी, यस 50 लाख से 2 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़, और फिर 2 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से 2 करोड़। तो रूल्स के हिसाब से क्या है सर, ठीक है, रूल्स के हिसाब से 2 करोड़ तक है। प्रोविजन सेक्शन के हिसाब से तो ये हो गया, लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से जाएं तो 50 लाख से 2 करोड़ तक है, 50 लाख से 2 करोड़ तक है, डन। अब ये क्या कर सकता है, कंप्लेंट सुन सकता है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंप्लेंट जहां पे कंसिडरेशन कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 10 करोड़ है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, यहां है, कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वेद द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज ए कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, और अपील सुन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट में। तो ये एंटरटेन कर सकता है 3 चीजों के बेसिस पे। पहला, जहां पे वैल्यू जो गुड्स की या कंसिडरेशन जो आपने पे किया है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है। और तीसरा, दूसरा जहां पे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी अभी पढ़ेंगे। और तीसरा, अपील सुन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड और पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, ये क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स और पास कर सकता है अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग बिफोर और हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहां इसे ये लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एक्सरसाइज किया है ज्यूरिडिक्शन जो उसके पास था नहीं, या फेल टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन है, या हैज एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन इलीगली और मेटीरियल इररेगुलरिटी। कह रहे कि जहां पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया, या जरूरत से ज्यादा ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर दिया, या एक्टिड या फिर गलत तरह से एक्सरसाइज किया है, तो वहां पे क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है मैटर्स को, यानी बेसिकली वहां पे कॉल कर सकता है रिकॉर्ड को और पास कर सकता है अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऐसे मैटर के अगेंस्ट में जो पेंडिंग है बिफोर और हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डन। ज्यूरिडिक्शन पावर और अथॉरिटी ऑफ स्टेट कमीशन कौन एक्सरसाइज करेंगे, बेंचेस एक्सरसाइज करेंगे। बेंच में कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा विद वन और मोर मेंबर एज द प्रेसिडेंट मे थिंक फिट। सीनियर मोस्ट मेंबर क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा ओवर द बेंच। और जहां पे मेंबर क्या है, डिफर इन ओपिनियन है, तो मेजोरिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। सर एनसीएलटी में ऐसा ही तो पढ़कर आए थे कि एनसीएलटी में सर बेंचेस होंगे, बेंचेस सीनियर मोस्ट मेंबर क्या होगा, प्रिसाइड करेगा। और जहां पे मेंबर डिफर इन ओपिनियन है तो वहां पे किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, मेजोरिटी के बेसिस पे। और अगर इक्वली डिसाइडेड हो, डिवाइडेड हो गए, अगर इक्वली डिवाइडेड है तो उन पॉइंट्स और पॉइंट्स को नोट किया जाएगा जिनमें डिफरेंस है। फिर मेक ए रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट हु आइदर हियर, जो खुद से सुनेगा या रेफर कर देगा नए बेंचेस को या नए मेंबर को उन पॉइंट्स और पॉइंट्स को डिसाइडेड करने के लिए जिन पे डिफरेंस इन ओपिनियन था। और अब मेजोरिटी का डिसीजन आएगा पहले वालों और नए वालों को सुनने के बाद। प्रेजेंट और मेंबर का सिर्फ इतना सा है कि उन्हें मैटर द्वारा नहीं सुनना है, उन्हें ओपिनियन देना उन पॉइंट्स और पॉइंट्स पे विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। डन। अब इसकी ज्यूरिडिक्शन भी सेम है, क्या ज्यूरिडिक्शन है, वही जहां पे अपोजिट पार्टी या ईच ऑफ अपोजिट पार्टी रिसाइड, एनी ऑफ द पार्टी स्टेट कमीशन की परमिशन, कोज ऑफ एक्शन और कंप्लेनेंट रिसाइड या पर्सनली फॉर गेन। डन सर, ये तो सेम लिखा था, बिल्कुल सेम है। डन भाई, अब वापिस आ जाओ, एक आगे नेशनल कमीशन पे आ जाओ। तो नेशनल कमीशन वही स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है क्या करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। नेशनल कमीशन ये कहां करेगा, नेशनल कैपिटल रीजन में करेगा, लेकिन अदर जगह भी कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। यहां भी क्या होंगे, बेंचेस होंगे, ये भी एस्टेब्लिश कर सकता है रीजनल बेंचेस, रीजन वाइज बेंचेस एज अ
such place as is deemed fit. कंपोजिशन इसमें भी वही है, प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन फोर, और मोर कितना होगा वो तो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. लेकिन यहाँ पे टर्म बता दिया गया कि ये जो टर्म है ये कितना होगा, 5 साल के लिए होगा और एलिजिबल है कितना, रीअपॉइंटमेंट के लिए. लेकिन किस एज से ज्यादा, अगर प्रेसिडेंट है तो 67 ईयर्स, सॉरी प्रेसिडेंट है तो 70 ईयर्स, और अगर अदर मेंबर है तो 67 ईयर्स से ज्यादा नहीं है. यहाँ पे मैक्सिमम एज भी बता दी, यहाँ पे टर्म भी बता दिया और मैक्सिमम एज भी बता दी. ज्यूरिसडिक्शन क्या है? बोले ये एंटरटेन करेगा कंप्लेन, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा है, और रूल के हिसाब से जाए तो जहां 2 करोड़ से ज्यादा है. कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, वही अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वहां दिया गया था. अब ये अपील सुन सकता है स्टेट कमीशन, और अपील सुन सकता है सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट. बस जैसे जैसे अथॉरिटी ऊपर जा रही है वैसे वैसे चीजें बढ़ रही है. ये भी क्या कर सकता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकता है, अगर इसे क्या लग रहा है कि जो स्टेट कमीशन है इसने अपना ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, या फोर्सली एक्सरसाइज किया, इलीगली एक्सरसाइज किया. डन. ज्यूरिसडिक्शन ये भी कौन एक्सरसाइज करेंगे? बेंचेस एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट और वन और मोर सच मेंबर, और सीनियर मोस्ट क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा. यहां भी वही है, डिफर इन ओपिनियन है तो मेजोरिटी इक्वली डिवाइडेड हो गए तो वही रेफरेंस करा जाएगा प्रेसिडेंट को, हु आइदर हियर या फिर सच मेंबर को बोल देगा, और सबके कंसीडर करने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ वहां 1 मंथ था, यहां 2 मंथ्स है, यहां पे 2 मंथ्स है. सर दिया तो वही गया है. डन भाई, डन, सेम है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है भाई, डन, फटाफट से रिप्लाई कर दो. आज के लिए डन, कल कंटिन्यू करते हैं बचा हुआ. बाय बाय, टेक केयर.